नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं श्रद्धा सिंह। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। 40 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद भी नहीं बच सका कुएं में गिरा हाथी, रस्सी के सहारे निकालने के वक्त हुई मौत। आदित्यपुर रेलवे स्टेशन के समीप शालीमार कुर्ला एक्सप्रेस ट्रेन से गिरकर व्यक्ति घायल, एमजीएम में इलाजरत। और निगमित सामाजिक दायित्व के अंतर्गत यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा 4 बुलेरो वाहन जिला पुलिस को सौंपा गया। खबरें विस्तार से। जिंदगी और मौत से संघर्ष करते हुए कुएं में गिरे हाथी का बच्चा जिंदगी का जंग हार गया। वन विभाग ने लगातार 40 घंटे की मोहलत मिलने पर भी उस हाथी की जान नहीं बचा पाए। इसे वन विभाग की लापरवाही कहे या संसाधन विहीन सिस्टम हो तो समीक्षा का विषय है, लेकिन यह जानवर मानवीय भूल का शिकार हो गया। विदित हो रेस्क्यू टीम हाथी को निकालने में बहुत विलंब कर दी, साथ ही रस्सी में बांध कर निकालने के कारण हाथी की मौत हो गई। 40 घंटे बाद हाथी को पोकलेन से रस्सी के सहारे बांध कर बाहर उठाने के दौरान हाथी की मौत हुई। हाथी को सैकड़ों ग्रामीणों के साथ पोकलेन रस्सी के सहारे घसीट कर उठाया गया। निमडी प्रखंड के पशु चिकित्सा डॉक्टर विष्णु शरण महतो द्वारा इलाज किया गया। समय पर डॉक्टर की टीम और भोजन पानी उपलब्ध नहीं कराया गया। वन विभाग द्वारा लाखों रुपये खर्च करने के बावजूद इस हाथी को नहीं बचा पाए। हाथी झुंड में था, उसी में से हाथी जो है ना कुआं में गिर गया है। उठाने की प्रक्रिया क्या चल रहा है? देखिए, उठाने का तो हम लोग जैसे जीसीपी लगा कर मिट्टी बड़ा करके कोड़ करके उसका रास्ता बनाए हैं, और अब देखते हैं उठाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बांध करके आपसे खींच करके जैसे भी होगा। जान माल का बहुत खतरा है। लोग दिन भर रात को गाँव में एक साथ जुट करके कितना दिन जब करेंगे? वो अपना खेती बाड़ी करेंगे, अपना काम धंधा करेंगे और अपना जीवन के लिए वो लोग बिजनेस करेंगे, मजदूरी करेंगे, और रात को लोग ड्यूटी देगा अपन हाथी के लिए। ये तो गलत बात हो रहा है हाथियों के लिए। तो इनको जरा से भी तो हमारा वन विभाग को पूरा सुरक्षित रखना चाहिए। नहीं सुरक्षित के कारण तो गाँव में हाथी आ रहा है। जब जंगल में खाने को नहीं मिल रहा है तो गाँव में खाने के लिए आता है, और खाने के बाद तो छोड़ दीजिए कि जान माल भी खतरा है। अब खतरा पोजीशन में है ही है। अब हमारे यहाँ गांव में पहाड़ अंडा पहाड़ में माल लिया जाए कि पता चला कि 17-18 को हाथियाँ है और रात को इधर इधर गांव में घूम रहे हैं, और पता चला कि काशीपुर में मकान तोड़ा, पता चला कि हमारे कल्याणपुर में कौन सा एक घराए लोगों का आलू भी तोड़ करके खा दिया, और भी पता चला कि किसी का जो धान है खेत से उठा कर रखा है खुला में खमार में, वहाँ भी खाने का प्रयास कर रहा है। तो इतना हाथी जब झुंड के जा करके ये सब कर रहा है, तनाव कर रहा है, तो ये यहाँ के क्षेत्र लोगों को जान से डर है। कौन इसको संभाल लेगा? संभाल करने वाले तो हमारे वन पदाधिकारी है, रेंजर भी है। अरे हमारे अब देखिए कि हमारे झारखंड फॉरेस्ट कमिश्नर जो रांची के हैं वो भी तो ऑर्डर कर देने से भी इसका व्यवस्था हो जाएगा। हम लोग अपना खेती करेंगे, हम लोग अपना बाल बच्चा पालेंगे, हम लोग अपना मजदूरी करेंगे, हम लोग वहाँ बिजनेस करेंगे, क्या हम लोग हाथी को रात को पहरा देंगे? आदित्यपुर रेलवे स्टेशन के समीप शालीमार कुर्ला एक्सप्रेस ट्रेन से गिरकर दयानंद साहू नामक व्यक्ति घायल हो गया। इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आदित्यपुर रेलवे स्टेशन के समीप शालीमार कुर्ला एक्सप्रेस ट्रेन से गिरकर चक्रधरपुर निवासी दयानंद साहू नामक व्यक्ति घायल हो गया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने घायल व्यक्ति को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया है। कहां से कहां आ रहा था? चक्रधरपुर से टाटा। किस ट्रेन से? शालीमार कुर्ला। कैसे, क्या हुआ है सर? गिर गया, फिर फोन किया, हम लोग गिर गया है, फिर आरपीएफ लोग शायद ले गए उसको, वहाँ आपका रेलवे हॉस्पिटल ले गए थे, वहाँ से फिर वहाँ से बोले एमजीएम आ जाना। कहाँ पे गिरा था? ये गिरा था आदित्यपुर से पहले। आदित्यपुर से पहले क्या खड़ा था गेट के पास? वो तो पता नहीं, खाली गिरते हुआ गिरा हुआ सूचना मिला। और निगमित सामाजिक दायित्व के अंतर्गत यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा 4 बुलेरो वाहन जिला पुलिस को सौंपा गया। इस दौरान पुलिस कप्तान मुख्य रूप से मौजूद थे, जहां उन्होंने कंपनी के इस कार्य की सराहना की।
पुलिस कार्यशैली में गश्ती, विधि सम्मत कार्यों में वाहनों का पूर्ण योगदान हो, इसे लेकर यूसिल द्वारा सीएसआर फंड के तहत 4 बोलेरो गाड़ी जिला पुलिस के सुपुर्द किया गया। इस दौरान सुंदरनगर थाना परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित कर यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा सीनियर एसपी किशोर कौशल की मौजूदगी में वाहनों को जिला पुलिस को सौंप दिया गया। जानकारी देते हुए सीनियर एसपी किशोर कौशल ने बताया कि पेट्रोलिंग विधि सम्मत कार्यों में इन वाहनों का प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने कंपनी के इन कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि कंपनी द्वारा निगमित सामाजिक दायित्व के अंतर्गत वाहनों को जिला पुलिस को सौंपा गया है ताकि जिला पुलिस अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। देखिए, आज कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत यूसीआईएल के द्वारा 4 जो है वो चार पहिया वाहन जमशेदपुर पुलिस को, पूर्वी सिंहभूम पुलिस को उपलब्ध कराए गए हैं, जिसका कि पेट्रोलिंग और बाकी तमाम विधि व्यवस्था संबंधी ड्यूटीज में उपयोग किया जाएगा और निश्चित तौर पर यह पुलिस के काम को पूरा करने में, कर्तव्य के निर्वहन में सहायक। जमशेदपुर के उपायुक्त ने जनता दरबार में फरियादियों से मुलाकात की। कई आवेदनों पर हुआ ऑन द स्पॉट समाधान। टिन प्लेट गोलचक्कर के शौचालय का भी मुद्दा उठा। जमशेदपुर के समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने आम जनता से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सहानुभूतिपूर्वक सुना तथा यथोचित कार्रवाई को लेकर आश्वासित किया। इस मौके पर उन्होंने सभी फरियादियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी तथा सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं इसकी भी जानकारी ली। उन्होंने फरियादियों से उनके ग्राम पंचायत के सुयोग्य लोगों को सर्वजन पेंशन योजना, सोना सोबरन, धोती साड़ी, आवास, शौचालय आदि योजना का लाभ मिलने की जानकारी ली तथा योजनाओं का लाभ लेने से वंचित ग्रामीणों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके इसके लिए प्रेरित करने की बात कही। जनता दरबार में आए घाटशिला अनुमंडल के फरियादी ने हाथियों के उत्पात की समस्या, कंपनी में मजदूरी भुगतान संबंधी समस्या को रखा, जिस पर मौके पर श्रम अधीक्षक एवं उपाध्यक्ष को बुलाकर यथोचित कार्रवाई को लेकर निर्देशित किया गया। भूमि पर दखल कब्जा हटाने, बच्ची को गोद लेने का आवेदन, भूमि विवाद, बाल सुधार गृह में मारपीट का मामला आया। बाल सुधार गृह में मारपीट मामले को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त ने मौके पर बाल सुधार गृह के प्रभारी को बुलाकर आरोपी बच्चों को अन्यंत्र शिफ्ट करने के निर्देश दिए। उपायुक्त से मुलाकात में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के प्रतिनिधि ने सामुदायिक भवन बनाने, शौचालय बनाने की मांग रखी, जिस पर यथोचित कार्रवाई को लेकर आश्वासित किया गया। साथ ही ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के प्रतिनिधि से इच्छुक लोगों की एक सूची जमा करने को कहा, जिन्हें रोजगार परक प्रशिक्षण दिलाते हुए आय सृजन की दिशा में आवश्यक कदम उठाया जाएगा। नौकरी की मांग को लेकर पहुंची एक अन्य फरियादी की बुजुर्ग मां को मौके पर विभागीय पदाधिकारी को बुलाकर राशन कार्ड फरियादी के लिए क्रेडिट लिंकेज तथा रोजगार से जोड़ने हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण को लेकर आश्वासित किया गया। एमजीएम अस्पताल परिसर में टेम्पो चालकों के अवैध पार्किंग से मरीज परेशान। टेम्पो चालक ने दिव्यांग दुकानदार को मार कर किया घायल, मचा अफरा तफरी। एमजीएम अस्पताल परिसर में टेम्पो चालकों के अवैध पार्किंग से मरीज परेशान है। अवैध पार्किंग में टेम्पो चालकों की मनमानी चलती है, जिसका खामियाजा रोहित कुमार नामक दिव्यांग को भुगतना पड़ा। पार्किंग में अवस्थित भुंजा दुकानदार दिव्यांग रोहित को बिना वजह से ही टेम्पो चालक मारपीट कर घायल कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर अस्पताल में तैनात होमगार्ड के जवानों के मौके पर पहुंचते ही आरोपी टेम्पो चालक फरार हो गया। हम उसको कुछ नहीं बोले, हम बोले सामान सब मत फेंको, तो दिन में 2-3 था मार दिया। क्यों फेंका था सामान तुम्हारा? बोले बेचने नहीं देंगे, तुम लड़का बुला गए, बुलाकर उनको बोले ना, मस्ती तो जानी। यहाँ पर बेचने मना कर रहा है बच्चा, मैं आज तक तुम बोल रहे यार, आप बेचने मना कर रहा तुम क्या करेंगे, चोरी करेंगे? टेम्पो चालक है वो, हाँ बोले यहाँ टेम्पो लगाता है वो, भाग्य है। मेरा बेटा है। क्या नाम है इसका? इसका रोहित नाम है। क्या करता है ये? यही धंधा में घर चलता है इसका, ये भारी काम करने नहीं सकेगा ना, तो छोटा मोटा दुकान खोल दिया। इसका पैर में चोट, इसका भीतरी गुस्सा मार रहा, बच्चा का कुछ हो जाएगा। इसका पैर में चोट है? हाँ, इसका एक्सीडेंट है, पेलेट लगा हुआ है, ऑपरेशन हुआ हुआ है। टीओ मैच में 2,80,000 खर्चा किया, ऑपरेशन हुआ है। क्या करता है? घर कहाँ आप लोग का? चंडी नगर मुड़ी बेचता, झाल मुड़ी बेचता है। कौन मारा है इसको? भाग गया मार के। कौन था? क्या पता उसका क्या नाम है, हम थोड़ी जानता। क्या करता बोलो? टेम्पो चलाता, टेम्पो छोड़ के भाग गया। इधर जमशेदपुर के उपायुक्त ने नियोजन कार्यालय का किया निरीक्षण। मॉडल कैरियर सेंटर बनाने की योजना। जमशेदपुर के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री द्वारा जिला नियोजन कार्यालय का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने काउंसलर रूम, आईटी लैब,
लाइब्रेरी आदि का निरीक्षण कर अधिकारियों से कार्य प्रणाली की जानकारी ली। करियर काउंसलिंग, प्रशिक्षण, जॉब सर्च की सुविधा, बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार दिलाने की दिशा में गैर सरकारी संस्थान को जोड़ते हुए मॉडल करियर सेंटर की स्थापना पर विचार किया गया। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि युवाओं को जिला अंतर्गत विभिन्न कंपनियों में उपलब्ध रोजगार के अवसर के मुताबिक प्रशिक्षण देते हुए रोजगार से जोड़ने की योजना है। जिला प्रशासन प्रयासरत है कि नियोजनालय में जितने भी रोजगार के लिए निबंधित छात्र छात्राएं हैं उन्हें जितनी स्थानीय कंपनियों में जॉब फेयर के माध्यम से प्लेसमेंट प्रदान किया जा सके इसके लिए उन्होंने नियोजन पदाधिकारी को निर्देश दिए कि वे स्थानीय कंपनियों के साथ समन्वय स्थापित कर उनकी आवश्यकता को समझे ताकि बच्चों को रोजगार पार्क प्रशिक्षण से जोड़ते हुए जिलों में ही रोजगार उपलब्ध करवाया जा सके। उन्होंने कहा कि मॉडल करियर सेंटर के माध्यम से एक छत के नीचे युवाओं को कैरियर काउंसलिंग, रोजगार प्रशिक्षण, नई तकनीक की जानकारी, लाइब्रेरी की सुविधा आदि उपलब्ध करवाई जाएगी। छात्रों के पठन पाठन को लेकर सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस केंद्र के माध्यम से बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार दिलाने में मदद मिलेगी। उपायुक्त ने निरीक्षण के क्रम में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को लेकर भी व्यवस्था करने का निर्देश दिया। वहीं झारखंड शिक्षा परियोजना सरायकेला खरसावा ने की समीक्षा सह कार्यशाला को आयोजित कर कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण पर चर्चा की गई, जिसके माध्यम से शिक्षक और बच्चों को सीखने सिखाने में होगी सहूलियत। NR प्लस टू CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस विद्यालय सरायकेला में सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड साधन सेवी, संकुल साधन सेवी की कार्यशाला को आयोजित किया गया। इसका शुभारंभ प्रकाश कुमार, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी झारखंड शिक्षा परियोजना सरायकेला खरसावा सुभाष हेमरम, सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी एवं राज्य प्रबंधक रवि प्रकाश गुप्ता कन्वेजीनियस द्वारा किया गया। इस कार्यशाला में सभी प्रतिभागी को स्विफ्ट चैट ऐप आधारित डीजी साथ वीकली प्रैक्टिस, शिक्षक सहायक और जिज्ञासा चैट बोर्ड सभी विद्यालय में लागू करने पर चर्चा की गई। शैक्षणिक परामर्शी संस्था कन्वीजीनियस के प्रतिनिधि प्रकाश गुप्ता द्वारा बताया गया कि शिक्षक और बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया आसान करने के लिए शिक्षक सहायक शिक्षकों के लिए और डीजी साथ वीकली प्रैक्टिस बच्चों के लिए लॉन्च किया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि डिजिटल युग में इस चैट बोर्ड के माध्यम से शिक्षक अपने क्लासरूम जाने से पूर्व शिक्षक सहायक चैट बोर्ड के उपयोग से लेसन प्लान, वर्कशीट और वीडियो के माध्यम से अपने क्लासरूम में सीखने सिखाने की प्रक्रिया को आसान कर पाएंगे। साथ ही बच्चे प्रत्येक सप्ताह शनिवार से अगले शुक्रवार तक साप्ताहिक अभ्यास के माध्यम से अपने सीखने का स्तर समझ पाएंगे। कार्यशाला के दौरान पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से सभी प्रतिभागियों को स्विफ्ट चैट ऐप आधारित डीजी साथ वीकली प्रैक्टिस शिक्षक सहायक और जिज्ञासा चैट बोर्ड के बारे में बताया गया। कॉइन कलेक्टर क्लब की ओर से साक्षी बंगाल क्लब में सिक्कों की प्रदर्शनी जैम कॉइन 2024 का आयोजन किया गया। शुक्रवार को इस 3 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद टाटा स्टील यूसिल के MD ऋतुराज सिन्हा ने किया। यह प्रदर्शनी 5 से 7 जनवरी तक चलेगी। प्रदर्शनी में देश भर के 15 सिक्का डीलर व विशेषज्ञ, 20 सदस्य और 15 स्कूलों के बच्चों ने स्टॉल लगाए हैं। इसमें प्राचीन, देशी, विदेशी, मुगलकालीन, मध्यकालीन राजाओं के सिक्के, ब्रिटिश भारत के सिक्के, हैदराबाद रियासत के सिक्के, छोटे दीपों के सिक्के प्रदर्शित किए गए हैं। इसके अलावा विश्व बैंक नोटों पर तानाशाहों, पॉलीमर मुद्राएं, उच्च मूल्य अवमूल्यन वाली मुद्राएं, त्रुटि मुद्राएं आदि आकर्षण का केंद्र है। बता दें कि इस प्रतियोगिता में शनिवार को प्रश्नोत्तरी होगी, स्कूल सिक्का प्रदर्शनी, स्कूल क्विज, क्लब सदस्यों के सिक्के और मुद्रा प्रदर्शनी श्रेणी में विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। ये पॉइंट कलेक्टर क्लब के द्वारा बंगाल क्लब में 5 तारीख से लेकर 7 तारीख तक सिक्कों का प्रदर्शन लगाया गया है, जो इसमें क्लब के मेंबर्स करीब 22 मेंबर्स अपना डिस्प्ले कर रहे हैं और रांची, धनबाद, कलकत्ता वहाँ से भी बहुत जन आके अपना डिस्प्ले कर रहे हैं और ये जमशेदपुर के लिए स्कूल के बच्चों के लिए बहुत अच्छा ये है कि उनका नॉलेज भी बढ़ रहा है अब और हम लोग सिक्कों का जो पहले गला देते थे आज उसको गलाते नहीं है, उसका वैल्यू समझे हैं तो अपना प्रिजर्व करके रखो। मैं पी बाबूराव, जनरल सेक्रेटरी पॉइंट कलेक्टर। वहीं स्वदेशी जागरण मंच जमशेदपुर महानगर के तत्वाधान में CBMD कार्यालय बिष्टुपुर में श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम वर्ष 2018 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है।
श्रीयन महोत्सव में स्वदेशी जागरण मंच जमशेदपुर महानगर की महिला प्रमुख अनीता सिंह ने बताया कि श्री अन्न महोत्सव का मुख्य उद्देश्य विलुप्त अनाज को पुनः प्रचलन में लाए जाने का प्रयास है, जिससे किसानों को आर्थिक लाभ हो सके। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निदान में श्रीयन की बहुत उपयोगिता है। यह स्वास्थ्य वर्धक पौष्टिकता से भरपूर है। इसमें फाइबर की मात्रा काफ़ी अधिक रहती है, जिससे कब्जियत ठीक हो जाती है। इस अवसर पर विभिन्न महिलाओं ने बताया कि भारतीय परंपरागत खाद्यान्न प्रणाली को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा किया जाता है। इस महोत्सव में स्वदेशी जागरण मंच की महिला कार्यकर्ताओं ने अपने घर से विभिन्न प्रकार के श्रीयन बनाकर महोत्सव में लाकर दिए, जैसे कि दाल पीठा, टमाटर धनिया चटनी, चना दाल की चटनी, उड़द का बड़ा, मकई का गट्टा, मरुआ की रोटी, मकई रोटी, आलू दम, मरुआ की रोटी, बैंगन का भरता, धुसका, चार प्रकार के साग, रोटी चटनी, सब्जी और आटा का मिक्स आटा बेसन हलवा, मंगोरी, तिली, मीठा, दलिया, सत्तू रोटी, भजिया इत्यादि बनाकर लाया गया। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। लोग एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, हमारा नाम, कंपनी का नाम कैलॉन डेवलपर्स है। ये कैलॉन जो नाम है ये ग्रीक गॉड ऑफ ब्यूटी का नाम है, तो उनका चेहरा भी है हमारे लोगों में। और जो ये प्रोजेक्ट आ रहा है सत्या कैलॉन टावर के नाम पे, हमारा जो भी प्रोजेक्ट्स आता है सबको ग्रीक वे से हम लोगों ने इंस्पायर करने के लिए इसका नाम रखा था कैलॉन। तो इसमें जो आप देख रहे हो हट और पिलर का डिज़ाइन, ये एक्चुअली ग्रीस में बहुत पाया जाता है ऐसा डिज़ाइन, तो उस वे से हम लोग इसमें लाना चाह रहे हैं। जमशेदपुर में पहली बार ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आएगा। ये एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, बेसमेंट ग्राउंड प्लस 5 बनेगा, इसमें जिम, प्ले एरिया और स्विमिंग पूल है। तो स्विमिंग पूल भी थोड़ा यूनिक वे से है, हम लोग इन्फिनिटी पूल ला रहे हैं, जो कि जमशेदपुर में पहली बार कोई ला रहा है। इन्फिनिटी पूल का कॉन्सेप्ट अगर कोई गूगल करे तो बहुत अच्छा, उसको देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये सब चीज़ें इसमें हम लोग कर रहे हैं। बाकी जो लुक है बाहर से वो भी यूनिक है, इसको बेसिकली हम लोग लैंडमार्क बनाना चाहते हैं पूरे सोनारी में। तो अभी बुकिंग्स ओपन है, जो भी चाहें वो इसको ले सके। Simply magnetic. Golcha Sari Center. Golcha Sari Center, a exclusive showroom of sarees, lehenga and suit. जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां, वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर, जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट, सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट बैग भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन, सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता, गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं श्रद्धा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। जमशेदपुर कैनल क्लब की ओर से आयोजित 3 दिवसीय डॉग शो का शुक्रवार को जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के आर्चरी ग्राउंड में शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि टाटा स्टील के उपाध्यक्ष प्रबल घोष और क्लब की अध्यक्ष रुचि नरेंद्र ने झंडा फहराकर और ट्रॉफी का अनावरण कर किया। इस दौरान टाटा स्टील के स्वानों ने अतिथियों को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। वहीं एक से बढ़कर एक करतब दिखाकर उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बता दें कि इस प्रतियोगिता में देश विदेश के 45 से अधिक नस्ल के कुत्ते, 386 स्वानों ने इसमें भाग लिया है। जमशेदपुर कैनल क्लब की अध्यक्ष रुचि नरेंद्रन ने मीडिया को बताया कि यह शो मनुष्य और उसके चार पैरों वाले साथियों के बीच के अटूट बंधन का जश्न मनाने वाला उत्सव है। इसमें प्रत्येक स्वान का अनुग्रह, सुंदरता और कौशल की सच्ची भावना दिखेगी। बहुत अच्छी ब्रीड्स आ रही हैं, कुछ जो पहले कभी नहीं देखी गई हैं। एक किंग चार्ल्स
छोटा सा टॉय डॉग है वो आ रहा है, और इंडियन ब्रीड्स भी हैं, राजा पालियम है, माढोल हाउंड है, और कई लोगों को आके देखें, इंजॉय करें क्या क्या अलग अलग ब्रीड्स हैं, क्या वो कर सकते हैं, हैंडलर्स ब्रीडर्स जो इतना काम करते हैं सारा साल भर, और डॉग लवर्स सबके लिए एक स्पेशल शो। लैब्राडोर फीमेल C2 एग्जिबिट नंबर 38। जजेस जो आए हैं वो सब इंटरनेशनल जजेस आए हैं सर, एक रशिया से है, दो मैसेडोनिया से हैं, एक ऑस्ट्रेलिया से आई हैं जज, और एक साउथ कोरिया से। सो हमारे बहुत ही वेल नोन जजेस हैं, और वो इस शो को एक बहुत नए दर्जे में ले जाते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि जो जमशेदपुर फेडरल क्लब का शो है वो एक बहुत ही अच्छा शो माना जाता है देश भर में। सो मैं सबसे आग्रह करूँगी कि आएँ, इन्जॉय करें ये शो, और सैटरडे संडे को अपने बच्चों को साथ लेके आएँ, और इन्जॉय द डॉग्स, ऐसे ही नहीं डॉग्स को ह्यूमन बींग्स बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं, तो लोग आएँ और समझें डॉग्स को। इधर अयोध्या में श्री रामलला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर केबल टाउन के निर्माणाधीन लक्ष्मी नारायण बिरला मंदिर परिसर में होगा भव्य दीपोत्सव। जमशेदपुर के केबल टाउन स्थित निर्माणाधीन स्वामी लक्ष्मी नारायण बिरला मंदिर परिसर में 18,000 स्क्वायर फीट से अधिक बड़ी प्रभु श्री राम के चित्र की रंगोली बनाने का कार्य आज प्रारंभ हो गया है। विदित हो कि आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में श्री रामलला के बाल स्वरूप के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसी के उपलक्ष्य में जमशेदपुर के निर्माणाधीन लक्ष्मी नारायण मंदिर में ये रंगोली बनाई जा रही है। वहीं BPM स्कूल बर्मा माइंस में भारतीय मानक ब्यूरो के स्थापना दिवस के अवसर पर पोस्टर एवं स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मानक क्लब के सदस्यों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानाध्यापिका श्रीमती रंजीता गांधी के स्वागत भाषण से हुई। स्वागत गान के साथ अतिथियों को टीका चंदन से अलंकृत किया गया। मंत्रोच्चारण के साथ दीप प्रज्वलन हुआ। मानक क्लब की प्रभारी डॉक्टर अंजू ने कार्यक्रम की भूमिका के साथ अतिथियों का परिचय करवाया। मानक थीम गीत के साथ प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान अनीस कुमार, द्वितीय स्थान मेधा कर्मकार, तृतीय स्थान फरहीन खातून, चतुर्थ स्थान पर रंजन वर्मा को पारितोषिक दिया गया। सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र के साथ प्रोत्साहन पुरस्कार भी प्रदान किया गया। कार्यक्रम के अंत में श्री सौरभ राय ने मानक क्लब को खेलकूद सामग्री उपहार स्वरूप भेंट की। मौके पर उपस्थित स्कूल की प्रधानाध्यापिका रंजीता गांधी, जितेंद्र, अर्चना, गौरी, निरंजन नायक, करणदीप सिंह आदि उपस्थित थे। तत्किडी स्थित सामुदायिक भवन प्रांगण में टाटा स्टील अर्बन सर्विसेज के तत्वाधान में जमशेदपुर फेस्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। धतकीडी स्थित सामुदायिक भवन प्रांगण में टाटा स्टील अर्बन सर्विसेज की ओर से जमशेदपुर फेस्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए गुरबारी हेमरम ने बताया, हम लोग का सारेगामा कंपटीशन का ये आज फाइनल ऑडिशन है। इससे पहले हम लोग दो ऑडिशन कर चुके हैं। पहला हम लोग किए थे धतकीडी में जो 3 तारीख को, उसमें सेंटर से आए थे, जो 12 कम्युनिटी सेंटर है उसमें से करीब 150 बच्चे लोग आए हुए थे। और दूसरा ऑडिशन हमारा भालूबासा में है, था वो कल हुआ है 4 तारीख को। उसमें से हमारे स्कूल, कॉलेजेस, एकेडमीज और आउट लोकेशन जैसे कलिंगा नगर हुआ, वेस्ट बोकारो हुआ, नोआमुंडी हुआ, इस जगह से आए, उसमें करीब करीब 80 बच्चे लोग आए हुए थे। तो उसमें से जो सिलेक्ट हो करके आए हैं उसमें से आज हम लोग इसको फाइनल ऑडिशन कर रहे हैं, और ये हम लोग का सारेगामा जमशेदपुर फेस्ट के तहत गोपाल मैदान में 13 से लेकर के 14 जनवरी तक गोपाल मैदान में होगा। तो उसलिए हम लोग ये ऑडिशन कर रहे हैं, उसमें हम लोग का सारेगामा का कंपटीशन है। श्री श्याम प्रचार संघ के द्वारा कैंसर पीड़ितों के बीच कम्बल, खाना, फल का वितरण का आयोजन TMH के सामने किया गया। करीब 150 से 200 कैंसर पीड़ित को 2 वक्त का भोजन प्रबंध किया जा रहा है। इस अवसर पर ईचागढ़ विधायक सविता महतो, सोनाई थाना प्रभारी विष्णु राव, टाटा स्टील वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष संजीव चौधरी उपस्थित थे। आज विशेष यही था कि नया साल है, जमशेदपुर में बहुत कड़ाके की ठंडी गिर रही है, तो चाचा जी ने मुझे फोन किया कि यार बहुत ठंडा है, पेशेंट लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा होगा, तुम 100 कम्बल, 150 कम्बल, 200 कम्बल, जितना कम्बल है कम्बल बांटने का काम करो, इसका जो भी होगा हम लोग सब मिलकर करेंगे। और राजनगर के हिंसल बाजार में शुक्रवार को दिखा किन्नर समाज की अनोखी परंपरा, जहां किन्नर समाज की शिवानी दास की जन्मदिन के मौके पर गुरु माँ का पद ग्रहण किया।
वहीं हेंसल बाजार में किन्नरों ने गाजे बाजे के साथ शिवानी का जन्मदिन सह गुरु माँ बनाने का उत्सव मनाया। इस दौरान शिवानी ने बताया कि आज मेरा जन्मदिन भी है और आज मेरी शादी है, अर्थात हमारी गुरु माँ के साथ मेरी शादी है, जिसमें मैं भी गुरु माँ के रूप में राजनगर तथा आसपास के कुल 41 किन्नरों की गुरु माँ बन गई, जिसमें मेरा दायित्व उनकी रक्षा करना है तथा उनकी हर परेशानियों का समाधान करना है। अब से मैं 41 किन्नरों के नेतृत्व करूंगी। इस मौके पर भव्य पार्टी का भी आयोजन किया गया, जहां एक से बढ़कर एक व्यंजन बनाए गए, जिसमें गांव के ग्रामीण व जमशेदपुर से कई लोग पहुंचे थे। मेरा 3 साल हो गया है, इसलिए हम धूमधाम से, जैसे शादी होता है ना, शादी रीति रिवाज से हम लोग का गुरु सिंदूर देगा तब जाके हम लोग गुरु माँ बन पाएंगे, ठीक है। वो भी कुछ देगा हाथ में, नेक बोला जाता है, कुछ भी हाथ में देगा, जैसे होता है चेला बनाता है उसे, फिर से चेला बनाएगा मेरे को, जितना मेरा गुरु लोग आएगा, नानी लोग आएगा, दादी लोग आएगा, ब्रह्मा महेश का ग्रुप का सब आएगा, चेला बनाएगा, शादी जैसे करेगा पूरा, और लोग बराती जैसे लेके आएगा, और हम लोग का ही नियम है। इधर सरायकेला उत्पाद विभाग के हाजत की खिड़की का रॉड टेढ़ा कर जमशेदपुर के भुयाडी निवासी दीपक यादव और राकेश कुमार मौके से बीती रात करीब 12:30 बजे फरार हो गए। घटना की जानकारी सुरक्षा कर्मियों ने वरीय अधिकारियों को दी, लेकिन तब तक दोनों आरोपी मौके से फरार हो चुके थे। दोनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। हालांकि उत्पाद हाजत की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों पर किसी तरह की अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उत्पाद अधीक्षक की सूचना पर उत्पाद विभाग के दरोगा अखिलेश कुमार के नेतृत्व में सरायकेला खरसावां जिले के निमडी प्रखंड के बंडी में अवैध रूप से नकली अंग्रेजी शराब बनाने की फैक्ट्री में छापेमारी की गई। इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने जमशेदपुर के भुयाडी निवासी दीपक यादव और राकेश कुमार को गिरफ्तार कर सरायकेला उत्पाद विभाग के हाजत में बंद कर दिया था। उत्पाद हाजत के गार्ड अश्विनी प्रधान ने बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उत्पाद हाजत में बंद किया गया था। रात करीब 10 बजे तक सब कुछ सामान्य रहा। हाजत से सटे कमरे में गार्ड का कमरा है, वहां 2 गार्ड सुरक्षा के लिए तैनात किए गए थे, वह भी अपने बेड पर सो गए। रात करीब 12:30 बजे के आसपास हाजत का दरवाजा खोलकर देखा गया तो दोनों आरोपी खिड़की का रॉड टेढ़ा कर मौके से फरार हो चुके थे। जहां एक तरफ जमशेदपुर में आज से 3 दिवसीय डॉग शो का आगाज हुआ, वहीं परिवार में सदस्यों से भी ऊपर रोज का जन्मदिन मानव सेवा के नाम पर हुआ समर्पित। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सपना सोना जी ने अपने परिवार के सदस्यों में से एक, या कहे तो परिवार का हम सदस्य रोज का जन्मदिन को समर्पित किया। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना क्षेत्र स्थित नवजागृत मानव समाज कुष्ठ आश्रम यानी अंत्योदय भवन परिसर में वहां रह रहे 50 पीड़ित एवं असहाय लोगों के लिए पूरा परिसर को रंग बिरंगे गुब्बारों से सजा कर केक कटिंग करते हुए उत्तम से उत्तम नाश्ते की व्यवस्था कर जहां अपनी सेवाएं प्रदान की, साथ ही साथ वहां रह रहे सभी के लिए ठंड से बचाव हेतु उच्च कोटि का कम्बल भी प्रदान किया गया। कहीं न कहीं अपने मुंह से खुशियों का इजहार करने में अक्षम, परंतु घर के सबसे दुलारी रोज का जन्मदिन बना यादगार। आज इस दिन को यादगार बनाने के लिए अब सपना सोना जी उनके सोच, उनके विचारधाराओं को नमन करते हैं, साथ ही साथ रोज को उनके जन्मदिन पर लंबी आयु के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन, सोना का आज जन्मदिन है तो 5 साल में मैं हर साल यहाँ पर आती हूँ और आज मैंने भोजन का भी यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है और यहाँ के लोग भी बहुत ही अच्छे हैं और मैं यही आप लोगों को सबको बताना चाहती हूँ कि जानवरों से प्यार कीजिए। ये लोग मतलब जुबान समझते हैं, सब कुछ समझते हैं, फीलिंग समझते हैं और इंसानों से ज़्यादा वफादार होते हैं। और मैं यहाँ पे आती हूँ और मैं सबको मैंने इस बार कमरा भी दिया है रोज के नाम से। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। 40 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद भी नहीं बच सका कुएं में गिरा हाथी, रस्सी के सहारे निकालने के वक्त हुई मौत। आदित्यपुर रेलवे स्टेशन के समीप शालीमार कुर्ला एक्सप्रेस ट्रेन से गिरकर व्यक्ति घायल, एमजीएम में इलाजरत। और निगमित सामाजिक दायित्व के अंतर्गत यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा 4 बुलेरो वाहन जिला पुलिस को सौंपा गया। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।